गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई ने एनकाउंटर टीम में शामिल पुलिस अफसरों व कमांडो के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। सीबीआई ने कमांडो सोहन सिंह के भी बयान लिए हैं। सोहन सिंह की AK-47 से निकली गोली आनंद पाल के लगी थी और आनंद पाल मौके पर ही ढेर हो गया था। आनंद पाल की AK-47 से निकली एक गोली कमांडो सोहन सिंह के पेट में लगी थी। कई दिनों तक सोहन सिंह अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि सीबीआई ने एनकाउंटर के पूरे घटनाक्रम को लेकर सोहन सिंह से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। घटना स्थल पर एनकाउंटर की टीम के श्रवण सिंह के फार्म हाउस तक पहुंचने, आनंद पाल की फायरिंग और पुलिस की जवाबी फायरिंग, मकान में घुसने के बाद एनकाउंटर टीम और आनंद पाल में गोलीबारी आदि के संबंध में सवाल जवाब किए। सीबीआई ने चूरू में अस्थायी केंद्र बना रखा था, वह कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही पुलिस से एनकाउंटर से जुड़ी प्राथमिकी व दूसरे दस्तावेज भी जुटाए हैं। सीबीआई ने आनंद पाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करने वाले राजपूत नेताओं के बयान भी लिए जाएंगे। श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा को बयान के लिए नोटिस दिया गया था, हालांकि बेटे की शादी की वजह से वे 8 फरवरी को बयान के लिए जा नहीं पाए। उधर सीबीआई जांच से कईयों में घबराहट है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।